नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भेसोदा मंडी में बाबा रामपाल के अनुयायियों के द्वारा एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने आकर कार्यक्रम में आए लोगों के साथ मारपीट की तथा फायरिंग भी की। फायरिंग की इस घटना में कार्यक्रम के आयोजक देवीलाल मीणा को एक गोली सीने पर जा लगी और उनकी कोटा हॉस्पिटल ले जाते समय ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान सीमा से लगे भेसोदा मंडी में रविवार को रामपाल के अनुयायियों के द्वारा शादी का आयोजन चल रहा था, जिसमें लगभग 10 से 15 लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर आए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। इन बदमाशों में से एक व्यक्ति ने फायर किए, जिससे देवीलाल मीणा को गोली लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की शर्ट में दिख रहे युवक के हाथ में पिस्टल है। उसके साथ आए लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। मृतक देवीलाल मीणा मंदसौर जिले के ही शामगढ़ थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के रहने वाले थे, जो दो बार गांव के सरपंच भी रह चुके थे और भाजपा समर्थित नेता थे। वहीं इस मामले में एडिशनल SP अमित वर्मा ने बताया कि भेसोदा मंडी के वैभव मैरिज गार्डन में शादी का कार्यक्रम था। रामपाल के समर्थकों के द्वारा वहां शादी कराई जा रही थी। दोपहर में करीब 2 बजे के लगभग 10 से 15 लोग वहां पहुंचे और कहने लगे कि तुम गलत तरीके से शादी करवा रहे हो। उन्होंने उन लोगों के साथ मारपीट की और फायरिंग की, जिसमें देवीलाल को गोली लगी। उनको कोटा हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अभी जानकारी मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में कुल 11 आरोपी हैं, जिन्हें नामजद किया गया है और इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ललित, मंगल और कमल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका बैकग्राउंड का पता किया जा रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।